अररिया में एक बार फिर एक विवाहिता दहेज की बलि चढ़ गई। मामला अररिया नगर थाना क्षेत्र के झववारी गांव का है, जहां दहेज लोभियों ने दहेज में मोटरसाइकिल न मिलने पर विवाहिता की निर्मम हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक युवती की शादी भसिया गांव के मसूद नामक व्यक्ति से 6 महीने पहले हुई थी। अपनी योग्यता के मुताबिक युवती के मायके वालों ने दहेज में काफी कुछ दिया था, लेकिन इसके बावजूद युवक के द्वारा बार बार बाइक की डिमांड की जा रही थी। दहेज में बाइक न मिलने पर गुस्साए युवक ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी और युवती को बेरहमी से मार डाला, जिसकी भनक लगते ही मौके पर मायके वाले पहुंचे और इसकी सूचना नगर थाना पुलिस को दी। नगर थाने की पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कैसे क्या हुआ बताइए जरा। यह मामला बेलवा पंचायत के वार्ड नंबर 11 गांव झबारी का मामला है। इस लड़की की शादी हुई थी 6 महीना पहले। भंसिया का लड़का है और उस लड़के का नाम है मसूद नाम है पिता का नाम। 6 महीना पहले शादी हुई थी, उसके बाद उसका लड़के का आना जाना लगा हुआ था और लड़के का ये डिमांड था, जैसा कि उसके परिजन ने बताया कि लड़के का डिमांड था कि हमको अपाची मोटरसाइकिल चाहिए। तो लड़की वाला उतना मजबूत आदमी नहीं है, वो बेचारा क्या करता। वो उसको कहा कि ठीक है देंगे, पैसा होगा देंगे। इसी तरह से 3-4 महीने से वादा महादा ये लोग इन लोगों में हो रहा था। कल शाम में लड़की के भाई का, लड़की के चचा का, लड़की के माँ का कहना है कल शाम में 8:30 बजे वो लड़का लड़की को लेकर के अपने घर की तरफ गया। उसके बाद सुबह इनके परिजन को, इनके परिवार वालों को यह पता चला कि झवारी गांव से पूरब 1/2 किलोमीटर पूरब वो लड़की का मर्डर कर दिया गया। और उसमें जो है वो मर्डर भी जो किया बहुत बेदर्दी से किया है, जैसे हम लोग सुनते थे कि पैर पकड़ के फाड़ देना, वो भी कर दिया है। वो हम लोग गए घटना स्थल पर, देखा बहुत बुरी तरह से दोनों पैर उसका जो है फाड़ा हुआ था और लड़की पूरा नंगा थी। फिर जो है गांव वाला लोग तब उसको कपड़ा वपड़ा दे करके उसको किसी तरह से उसको ढका गया। उसके बाद फिर हमने थाना प्रभारी किंग कुंदन सिंह को फोन किया, वहां से वो लोग गए। उसके बाद तब लाश को गाड़ी से उठवा करके हम लोग ले गए सदर अस्पताल आया है पोस्टमार्टम के लिए। वहीं इस मामले में अररिया SDPO ने कहा कि घटना के बाद से ही ससुराल वाले फरार हैं, उन्हें पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है। अभी तो उसके घर वाले हैं, प्रथम दृष्टया दहेज के लिए प्रताड़ित के लिए हत्या का मामला प्रकाश में आया है। ऐसे सबको पोस्टमार्टम में भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अब प्राथमिकी दर्ज की जा रही है और अभियुक्तों के विरुद्ध छापामारी भी किया गया, लेकिन सभी लोग जो है उसके हस्बैंड वस्बैंड सब फरार हैं अभी। तो इससे स्पष्ट तौर पर है कि इसको हत्या किया गया है और वो लोग अभियुक्त किसी के कारण फरार है। तो कहा जा रहा है सर कि दहेज के लिए जाकर हत्या किया गया है। हाँ, मामला में यही दहेज की बात ही आ रही है, दहेज के लिए निर्मम तरीके से हत्या की गई। हाँ, उसमें ये भी बता रहा है जैसा कह रहा है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा कि गला दबाने से हुआ कि कोई कह रहा है कि कुछ पैर हाथ पकड़ के चीर दिया था उसके कारण, उसको सब बिंदु पर जो भी होगा पोस्टमार्टम अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई की। विवाहिता की मौत के बाद जहां परिवार में कोहराम मच गया, वहीं ससुराल वाले मौके से फरार हो गए। फिलहाल मृतका के परिजनों ने आरोपी ससुराल वालों के खिलाफ थाने में तहरीर दी है, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। पंजाब केसरी TV के लिए अररिया से राकेश की रिपोर्ट।